कार्यालय में प्रदेश मंत्री और भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई, जिसमें पिछड़ी जाति के बच्चों को छात्रवृत्ति दिलाने की बात पर चर्चाएं हुई। सरकार ने 59,048 करोड़ रुपए के कुल निवेश को अनुमोदन प्रदान किया है, जिससे केंद्र सरकार 35,534 करोड़ रुपए खर्च करेगी और शेष राशि राज्य सरकारों की ओर से दी जाएगी। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले 5 वर्षों में 5 करोड़ से अधिक अनुसूचित जाति के छात्रों को लाभ पहुंचाने, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की प्रायोजित स्कीम बड़े और रूपांतरात्मक परिवर्तनों के साथ अनुमोदित की है। ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को लेकर के है, जो हमारे SC ST भाई बंधु हैं उनके लिए ये एक व्यवस्था की है, जिसका बजट जो है 1100 करोड़ से लेकर के 6000 करोड़ तक व्यवस्था कर दी गई है, और इसमें 59,000 करोड़ रुपया जो है निर्गत किया जा चुका है। देवरिया जनपद के सदर विधायक